फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बहुत सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और मैं इसी टाइम ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है कहीं शाम के टाइम। अभी तो थोड़ा सा दिन है, इतना भी शाम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे महोत्सव होता है, हमारे हर साल होता है और कोरोना की वजह से बंद था, तो इस साल से सब स्टार्ट हुआ है। तो और मेला भी बहुत बड़ा लगता है यहाँ पे और वहीं जाना है। और मयंक सब जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भी खरीदनी है, कुछ खरीदना है। और बने रहिए ब्लॉग पे, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए ब्लॉग पे। सो गाइस, ये देखिए कितने सारे भीड़। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, सिर्फ 6 बजे थे। शाम के टाइम यहाँ पे भीड़ होना शुरू हो जाता है। पहले मैंने लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। ये देखिए कितने सारे क्लाउड, बहुत ज़्यादा क्लाउड रहता है। बहुत से जगह पे लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। पहले हम भगवान के दर्शन करते हैं, प्रसाद मिलता है यहाँ पर, उसके बाद हम मेला घूमना जाते हैं। हर साल मैं यही करती हूँ। और फाइनली हम चल पड़े मेले के अंदर। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे, ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया क्योंकि 3 साल से बंद था कोरोना की वजह से। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम भी नहीं रहता है, पुलिस प्रशासन भी रहते हैं और हर जगह पे कैमरा भी रहता है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता मेले में। सच पहले से घर के पास ही पड़ता है ये, तो इतना। और खाने के सामान तो बहुत ज़्यादा सब पड़ा था। सब लोग खा रहे हैं। मेले में तो शायद हम बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं, खाते हैं, फिर घर जाते हैं वापस। और टाइम का पता भी नहीं चलता। आप अगर घूमोगे ना
घर से निकल आप टाइम के हिसाब से घर से निकलते हो और पता भी नहीं चलता कब रात के 10-11 बज जाते हैं। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो ब्लॉग को मैंने कल एंड नहीं किया था क्योंकि मेले में आते टाइम बहुत ही लेट हो गया था। सो घूम घूम के हालत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा क्लाउड थी वहाँ पे, क्योंकि 2 साल से कोरोना की ना 3 साल हो गए, हाँ 3 साल से हम इस साइड में कोरोना ने की वजह से बंद था। और हम इसको हमारे यहाँ पे ना धनु संक्रांति, मैंने 16 दिसंबर को पूजा स्टार्ट होती है लक्ष्मी नारायण की, तो उसी टाइम पूजा स्टार्ट होने के बाद दिसंबर 25 से महोत्सव स्टार्ट होता है और 25 से 5 जनवरी तक ये महोत्सव चलता रहता है, तो काफ़ी सारा भीड़ रहता है। रात के टाइम ये पूरा फील्ड वगैरह बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग आते हैं घूमते हैं, तो आपके साइड में भी होता होगा। सो फाइनली मैंने क्या क्या लाए वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो मुझे ये अच्छा लगा, ये ऊड का की स्टैंड है, उसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा काफ़ी। ऊड से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं की था, कुछ स्टैंड वगैरह थी, बहुत सारे सामान आया, सामान था तो मैंने ये की का स्टैंड लिया। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कैसा है। और मुझे इयररिंग का काफ़ी पसंद है और मैं जहाँ भी जाती हूँ कोई भी शॉप मार्केट वगैरह तो इयररिंग एक दो पक्का लाती हूँ, तो मेले में मुझे काफ़ी अच्छे कलेक्शन मिल गया। सो मैंने अपने लिए कुछ इयररिंग भी लाई हूँ, ये देखिए, और ये मेरे ड्रेसेस के साथ मैचिंग भी हो जाएगी, और ये अच्छा लगेगा मुझे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कैसा लगा। ये डॉल के टाइप का था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये भी थोड़ी मुझे अच्छा लगा, मुझे इयररिंग का बोली ना, इयररिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं लाती रहती हूँ। और कुछ भी नहीं लाई क्योंकि फिर भी जाना है, क्योंकि मम्मी जाएगी तो मम्मी के साथ भी फिर जाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय, टाटा।